हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिक्षा विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाएंगे। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए समुदाय को एकजुट होकर प्रयास करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम इस दौरान अपने घरों में बने रहें, कर्फ्यू के नियमों का पालन करें, सरकार एवं प्रशासन द्वारा जारी विभिन्न सलाहों को मानें तथा परस्पर उचित दूरी बनाए रखें। निरंतर अपने हाथों को सैनिटाइजर साबुन से धोते रहें। उन्होंने कहा कोरोना से जंग लड़ने में संयम अनुशासन का परिचय देते हुए सरकार की मुहिम को अपना भरपूर समर्थन प्रदान करें। भारत आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना वायरस नामक महामारी से युद्ध लड़ रहा है। आज भारत की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी तथा वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने आम जनता के हित में एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 1,70,000 करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज का हम स्वागत करते हैं। इस पैकेज में गरीब कल्याण को सामने रखा गया है। कोई व्यक्ति 21 दिन के इस लॉकडाउन के दौरान भूखा न रहे, इसकी चिंता की गई है और सभी को 5 किलो आटा या चावल तथा दाल जो है वो मुफ्त में अगले 3 महीने के लिए दी जाएगी, इसकी घोषणा की गई है। किसान सम्मान निधि अप्रैल माह में इंस्टॉलमेंट सभी उन किसानों के जिन्हें सम्मान किसान निधि के अंतर्गत जो है वो रखा गया है उन्हें 2,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट जो है वो मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त मनरेगा के मजदूरों को की दिहाड़ी बढ़ाकर के 200 से अधिक रख दी गई है ताकि उन्हें आर्थिक दृष्टि से जो है वो इस पैकेज से लड़ने में जो है वो मदद मिल सके। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 31,000 करोड़ रुपए की जो राशि इस मद में रखी गई है उससे लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश भेज दिए गए हैं। ईपीएफ से संबंधित 80 लाख से अधिक कर्मचारी उनकी 12% मालिक द्वारा दी जाने वाली तथा 12% मजदूर द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि जो है कंट्रीब्यूटरी राशि जो होती है उसे भारत की सरकार जमा कराएगी। इसी प्रकार से इस पैकेज के अंतर्गत जो है वो महिलाएं उनका विशेष ध्यान रखा गया है जिन्हें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का चूल्हा प्रदान किया गया था उन्हें अगले 3 महीने तक सिलेंडर जो है मुहैया कराया जाएगा ताकि उनका चूल्हा जलता रहे। और साथ ही साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंतर्गत महिलाएं कार्य करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अपने लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत उन्हें 10 लाख की कोलेटरल सिक्योरिटी अभी तक जो है दी जाती थी अब जो है वो उसकी राशि बढ़कर के 20 लाख कर दी गई है। तो ये पैकेज आम गरीब लोगों को इस युद्ध में लड़ने के लिए जो है वो घोषणा की गई है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत इस लड़ाई को अवश्य जीतेगा, कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। हम इस आर्थिक पैकेज का जो है वो अभिनंदन करते हैं।